हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फातिमा जी, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आज आप जानते हैं, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है और हाफ हो भी चुका है, तो हम उसका रिव्यू दे रहे हैं, जिसमें थोड़ा अच्छा भी खेल रहे हैं, बुरा भी खेल रहे हैं, वो तो अभी हम हसीब से पूछेंगे क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स आउट भी हो गए। हसीब, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? एक क्विक रिव्यू। हां बिल्कुल यार, लग नहीं रहा कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकेगा, क्योंकि इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान की। पांच तो हो गए आउट, ओपनर्स दोबारा से फ्लॉप हो गए। मुझे अफसोस इनका है कि रिजवान नहीं चला और जो है ना बाबर अभी अभी आउट हो गए, मतलब इनको थोड़ा सेंचुरी वगैरह तो करनी चाहिए ना वर्ल्ड कप के लिए। कहीं ये टीम है ही नहीं यार, ये वर्ल्ड कप की टीम ही नहीं है। इसको देखना ना, बाबर आदम आउट हो गया यार, कैसा हम इनको सो बाबर किंग करते हैं। मेरे ख्याल में प्रेशर होता है, ठीक है, वो कंट्री ऐसी है, उधर हमारे नारे भी नहीं लग रहे, ठंडे भी अलाउ नहीं, हमारी ऑडियंस भी नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए हमें अपने ऊपर। लेकिन मुझे लग रहा है हमारे क्रिकेटर्स ने जो है ना प्रेशर लिया है बहुत, तो हमारी टीम बहुत देती है, लेकिन ये मैच भी मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान, क्योंकि स्टार्ट से ही लग रहा था पाकिस्तान जीतेगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं अभी तो 200 भी नहीं हुए हैं, पावर प्ले में हमसे खेला नहीं जाता यार, 10 ओवर में हम 50 रन बना पाते हैं, मतलब और टीमों को देखो पावर प्ले में भाई वो 150 कर लेते हैं, बहुत ही हमारी डरपोक टीम है, बहुत ज्यादा प्रेशर में खेलते हैं लड़के। अब्दुल्ला शफीक को देख ले यार, मतलब किस चीज की जल्दी थी यार, उनके शॉट मार रहे हैं, क्यों T20 थोड़ी है यार, ये T20 वर्ल्ड कप थोड़ी है, बढ़िया वर्ल्ड कप, सुकून से खेलो अपनी इनिंग रोटेट करो। मामूल पता नहीं क्यों उसको खिला लिया यार, सुनने में आ रहा था कि फखर आजम को खिलाएंगे, लेकिन फखर आजम को भी खिला लेते वो क्या फायदा था। नहीं मैं तो ये कह रही हूं कि शुरू में क्या बाबर रिजवान ये शुरू में नहीं आ सकते। नहीं तो इमाम अलग फजूल के शॉट बाहर की बॉल जा रही थी, तो उस कैच हमारा, उसने कैच आउट, उसको नहीं खिलाना था यार, पता नहीं, मैं तो बोल रहा था चांस देते यार, एक बंदे को लाके तुमने बिठाया हुआ सलमान आओ यार, अपनी भी ट्राई करते उसको, बट नहीं कर रहा। अच्छा मैं कुछ वीडियोस देख रही थी मैच से रिलेटेड, एक कोई फेमस है वो यूट्यूब पर, तो वो यही कह रहे थे कि पावर प्ले में जितना हो सकता है ना उनको कवर करना चाहिए, क्योंकि सारे तो ग्राउंड के अंदर होते हैं, छोटे ग्राउंड है इंडिया के, लेकिन देखो दूसरी टीम खेलती है पावर प्ले को अवेल करती है, विकेट मारते हैं शॉट जितना है उसमें इनको छक्के चौके भरपूर मारे। पहला ओवर यार, पहला ओवर पूरा उसने वो कर दिया, अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग करवा दिया, इतना भी प्रेशर अच्छा नहीं है, आप क्या कर रहे हो। फिर दूसरा रिजवान भी आज पता नहीं क्या माइंड सेट से आया था, जल्दी में लग रहा था मुझे, वो भी एक तो उसका क्या हाथ ही कैच छूट गया था उसके बॉलर के हैंड से, फिर क्या कितना फूल के शॉट मार रहा है, और देखो जो होना था वो क्या है, उसको भी मतलब हाइट पर बॉल थी, उसने उसको ट्राई किया शॉट मारने, भाई T20 वर्ल्ड कप नहीं है ना, आप सबको से तो खेले हैं, मतलब इतनी मिस्टेक्स करते हुए आ रहे हैं आप लोग, और अभी भी आपको मतलब आपके कोई टेंशन नहीं है, आप कोई अपने फूल के शॉट मारे। बाबर आजम भाई तू कैप्टन है यार टीम का, तू क्या कर रहा है, तू इनिंग रोटेट कर, तुझे तो एंड तक खेलना चाहिए, इनिंग मतलब एक एक बात मैं ऐड करूंगी, मैच सेट करके देना चाहिए तू भी, मतलब जल्दी में पता नहीं क्या, एक बात मैं ऐड करूंगी ये कि बेचारे पे टीम का प्रेशर अलग है, और उसके बाद बेचारा अभी हमारे शादाब और साउथ खेल रहे हैं, देखेंगे क्या करता है, लेकिन बिल्कुल जीरो चांस है, मुश्किल से 250 कर सकेंगे, वो इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ इन्होंने एक एक अच्छी चीज़ की है, हसन जो हमारा भारी बॉलर है उसकी जगह मोहम्मद वसीम विकेट को ले गए, लेकिन वो भी मजेदार बॉलर नहीं है, वो भी भारी है, उसकी बॉलिंग में मजा नहीं है। और दूसरा ये है नवाज को दोबारा से लेके आ गए, पता नहीं क्यों लेके आए उसको, तो बस ये है कि ये तो एक क्विक रिव्यू था जो हमारा अभी सिचुएशन चल रही है मैच की, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की मैच की। तो अब आप अच्छा मेरी नज़र बार बार मैच की तरफ जा रही है, वहाँ पे मैच चल रहा है, क्या लग रहा है पाकिस्तान यार? मुझे तो वैसे देख के यही लग रहा है, तो 200 भी नहीं हुए और हमारे जो अच्छे प्लेयर्स थे वो भी आउट हो गए, मुझे नहीं लग रहा जीतेगा साउथ अफ्रीका ही जीतेगा। मेन प्लेयर आउट हुए शादाब, कोई ऑलराउंडर, वो ऑलराउंडर नहीं है शादाब, तो एक ऑलराउंडर होता है जैसे अब्दुल रजाक थे, नहीं जैसे ये उस तरह से कवर नहीं कर रही है ना कि पूरा मैच, एक होता हम सेंचुरीज की अगर बात करें तो 30 यार्ड हो गए, मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और 150 हम आते हैं एक वीडियो जो हम नहीं बना सके, थोड़े बिजी थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच की, उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू, सोशल मीडिया भरा पड़ा है मीम्स, और जाहिर बुरा भला भी कह रहे हैं सारे क्रिकेटर्स को, क्योंकि अफगानिस्तान एक कैसी टीम है, छोटी टीम है, लेकिन उससे भी हार गया पाकिस्तान, तो इस बारे में क्या बोल दिया? बहुत ही शर्मनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान की। हम तो एक नॉर्मली बात कर रहे थे हमारे पिछले व्लॉग से अंदर के, भाई अफगानिस्तान से ना हार जाए, हां हम ये लिटरली हम यूं बोलते थे, एक हम तंजिया बात करते थे कि भाई अफगानिस्तान से ना हार जाए, बांग्लादेश से ना हार जाए, लेकिन हमारे लड़कों ने वो करके दिखा दिया अफगानिस्तान से, मतलब इतना बुरा हार गए हमारी टीम, और
बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि 30 से 40 रन शॉर्ट है, तो भाई तुम 350 बना लेते ना, वो इतना इजीली तुम लोगों को खेले हैं अपना अफगानिस्तान के प्लेयर्स बैट्समैन, वो 350 भी चेज कर जाते हैं। मतलब आपकी बॉलिंग में बॉलिंग बिल्कुल फारिग थी यार, बिल्कुल भी मतलब जान ही नहीं मारे थे लड़के। मतलब मैं बताऊँ आपको, शाहीन शाह आफरीदी कोई परफॉर्मेंस नहीं यार, वो फुल टॉस से मार रहा है उसकी, कहां वो चार चार विकेट लेता था और अब वो एक भी नहीं ले रहा, वही मतलब फुल टॉस से मारा, वो एक जो होता था शाहीन यार, जिसका नाम था शाहीन आफरीदी, उस तरह की बॉलिंग है ही नहीं। वो मुझे लग रहा है वो दूसरे चक्कर में लगा हुआ है, सुनने में तो यार है कि वो अपनी कैप्टनसी उसको बाबर को फ्लॉप करके अपनी टीम को इतनी पिटाई लग रही है उसकी वर्ल्ड कप में, क्या बताऊं। मतलब वो जितना पिटता है ना उतनी ज्यादा बॉल तेज करता है, पेस मारता है भाई। आप शोएब अख्तर नहीं हो, पेस के साथ साथ बॉलिंग के अंदर वैराइटीज भी चाहिए थी। शेब अख्तर वैराइटीज मारता था बॉलिंग के अंदर, स्लो भी फेंकता था, फास्ट भी मारता था, मोहम्मद भी करता था, हर किस्म की। हमारा ये हारिस जो है वो पिटता रहेगा और पेस मारता रहेगा, जान जान मारता रहेगा। फिर हमारा जो हसन अली है, इतने सारे मैचेस खिला लिए, कोई परफॉर्मेंस नहीं बिल्कुल भी, मतलब क्या उसके बारे में बात करूँ। मतलब हसन अली तो अपने ससुराल गए ना, तो जरा पता नहीं क्या सीन है उसका। तो मतलब हमारा एक अच्छा बॉलर नसीम शाह, उसकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए थी एक अच्छे बॉलर से, लेकिन हमारे जो सिलेक्शन टीम थी उन्होंने इसकी रिप्लेसमेंट की हसन अली से, जिसका हमारी टीम से कोई मतलब दूर दूर था हमारी पाकिस्तान की टीम से, और ना इसका डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस, लेकिन इसको लेके चले गए कि भाई ये शायद कुछ कर जाए यार। हमारे पास वहाब रियाज था और एक बहुत अच्छा बॉलर चल रहा है अभी एशियन लीग में, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा, एग्रेसिव बॉलर है अजमल ऐसी कुछ नाम है इसका ना, तो मैं नाम बताऊंगा। इमाद वसीम को भी कह रहे हैं होना चाहिए यार, जुनैद खान को हमने जाया कर दिया कसम से यार। अच्छा कोई एग्रेसिव बॉलर देखे जाते हैं आप, हसन अली को उठा के ले रहे हैं कसम से यार। फास्ट बॉलर्स की बहुत कमी, इतना स्पिनर अच्छे हैं ना, ऑलराउंडर अच्छी है, ऑलराउंडर ये शादाब को लेगा, शादाब चलो शादाब की फॉर्म नहीं है, अच्छा प्लेयर है शादाब लेकिन फॉर्म में नहीं है। नवाज की तो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है यार, इसकी डोमेस्टिक का देख, डोमेस्टिक तो कम ही खेलता है वो टीम के साथ ही रहता है, चिपका रहता है उसको, इसके साथ चिपका के रखते हैं टीम के, लेकिन उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं यार। आप उसका रिकॉर्ड ट्रेक रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप इमाद का देख लें और इस नवाज का देख लें, मतलब किस बेस पे सिलेक्शन होनी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर पूरा पर्ची निज़ाम चल रहा है और कुछ नहीं है। तो इन दी एंड बात तो यही है कि अफगानिस्तान से हार के बहुत बुरा हुआ है यार। हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है कसम से यार, हम नवाज और शादाब पर एहसार कर रहे हैं। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया का जो आपने मैच देखा होगा फातिमा, एक टाइम था कि लग रहा था कि पाकिस्तान शायद चेस कर दे इसको, सही है ना, 345 चेस किया तो पाकिस्तान वो भी चेस कर सकता था, एक टाइम था कि लग रहा था। लेकिन उनका जो एक बॉलर स्पिनर होता है ना, उनका जो बॉलर था जिम्बा, उसने भाई पूरा मैच ही चेंज कर दिया लास्ट के अफगानिस्तान के बॉलर देख लो, फास्ट बॉलर अच्छे नहीं है, लेकिन उनके जो स्पिनर है क्वालिटी स्पिनर, उन्होंने स्पिनर ने आपको मैच खेलने नहीं दिया, उन्होंने आपको रोक के रखा, वो बाहर बॉले नहीं कर रहे थे, वो अंदर अंदर बॉले कर रहे थे, उन्होंने आपको खुल के खेलने नहीं दिया। उनका यार एक नया बॉलर डेब्यू उसने किया, मतलब आप ये नहीं देखें भाई कि हमें एक्सपीरियंस प्लेयर खिलाने हैं, भाई आप अच्छे इमर्जिंग प्लेयर्स को भी खिला सकते हैं। नूर को भी तो उन्होंने डेब्यू करवाया, पहला मैच था उसका, हम इमरान को क्यों नहीं करवा पा रहे, हम उनको नवाज को बार बार क्यों ट्राई किए जा रहे हैं, नवाज की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ट्राई किए जा रहे हैं, आज के मैच में भी इसको खिला लिया, मतलब ये परफॉर्मेंस रहेगी तो पाकिस्तान तो मुझे लग रहा है आगे। अच्छा जिसकी वीडियो देखो यही कहता है टीम अच्छी नहीं लेकर गए, टीम अच्छी नहीं लेकर गए, भाई इतना मसला था भाई। वो मैं अभी शेख अख्तर को सुन रहा था, उसने बोला वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा वीकेस्ट टीम जो है ना अब तक जो वर्ल्ड कप हुआ वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट टीम है ना वो ये गई है, जो इससे ज्यादा बैड 2023 में जो हुई बहुत ही ज्यादा वीकेस्ट टीम, सही है। और इसके अलावा बाबर आजम पे बात करना चाहूंगा, बाबर आजम को पता नहीं हमने क्या ऐसा हीरो बना दिया, बाबर किंग, बाबर कोई किंग शिंग नहीं है, मतलब भाई उसकी आप अपनी भी परफॉर्मेंस देंगे कोई, वो 50-60-70 ऐसे स्कोर करता है, उसकी बॉल तो आप चेक किया करें कितनी बॉल होती है उसकी, मतलब हम कंपेरिजन करते हैं बाबर छक्के चौके कितने लगाए होंगे बाबर ने, लगाते हैं छक्के लगाते, मतलब
एवरेज खेलता मैच ऑफ तो हम बात करते हैं बाबर आजम और विराट कोहली की कि भाई बाबर विराट से अच्छा यार कोई कंपैरिजन नहीं बनता, जीरो कंपैरिजन है विराट के साथ उसका। विराट एक क्लास है, सीरियसली विराट एक क्लास है यार, बैट्समैन है भाई, वो सपनों से खेलता है, इनिंग रोटेट करता है अपनी। और एक चीज है हम कंपैरिजन इस तरह भी नहीं कर सकते, विराट एक तो अच्छा बैट्समैन है जो हमारा बाबर अच्छा है लेकिन हर मैच में नहीं चलता सही है, और विराट क्लास है वो हर मैच में परफॉर्म करके देता है। तो दूसरा एक वो मैच फिनिशर है भाई, वो वन डाउन पे आता है हमारा बाबर भी वन डाउन पे आता है, मतलब ऐसे क्रुशियल टाइम पे वो अपनी इनिंग बना के देता है टीम को और मैच जितवा के देता है लास्ट स्टैंडिंग पे विनिंग शॉट खेल के वन डाउन आता है। अच्छा जो मिडिल ऑर्डर होता है ना इन्हीं पे ही सारा बेस कर रहा होता है मैच, हां है ना, तो नहीं कोई मेन वर्क करना चाहिए कवर। विराट कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है, वो भाई मैच फिनिशर है, हमारे बाबर में ये क्वालिटी नहीं है, वो 50 बनाएगा उसके बाद फजूल का कोई शॉट खेलेगा और आउट रहेगा, मतलब ऐसा कोई मैच आप मुझे बताएं जो अपने बाबर आजम ने हमें जितवाया होगा, कोई नहीं। अभी देखें अफगानिस्तान के मैच में सेट हो गया था, बिल्कुल अच्छा खेला था, जबकि देख रहा है दूसरे एंड से विकेट गिर रही है, लेकिन वही अगेन उसको फजूल का शॉट मारना था, एक और कैच हो गया वो, और सॉरी एलबी मार गया, और इस मैच में भी देख ले विकेट गिर रही है, मतलब एक एंड से सऊ शकील आ गया, नहीं सऊ शकील तो बाद में आया, विकेट गिर रही है एक एंड से, तो देखो उसको मतलब एक फ्लिप मार रहा है भाई, तू चांस क्यों ले रहा है इस टाइम, तो ये चांस का टाइम ही नहीं है, हमें इनिंग रोटेट करनी है, हमें 300 पे लेके जाना है स्कोर। तो बिल्कुल भी बाबर आजम का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है, और अफगानिस्तान के मैच में जो बाबर आजम ने कैप्टनसी की है बिल्कुल ही बेकार, मतलब कोई लड़कों में जान नजर ही नहीं आती, वो मैच पाकिस्तान हारा उसके पास फेसेस पे कैमरा, किसने मारा है शादाब ने सिक्स मारा है, तो उसके फेस पे कोई टेंशन ही नहीं, मतलब वो बस मुंह टेढ़े मेढ़े बना रहा है, मतलब यार इस टाइम पे ना अच्छा मुझे, हाँ, मुझे ये भी था कि यार ये लोग हारे जा रहे हैं लेकिन मजा ले, कोई सैडनेस नहीं थी कुछ, वो उस तरह का फील ही नहीं आ रहा था, तभी तो लोग कह रहे थे शायद मैच फिक्स है या पता नहीं क्या है, लड़कों को फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, हमारे लोग भी परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा, हां कुछ वैसे इस टाइम पे ना इसकी कैप्टेंसी देख के ना कसम से मुझे हमारा वो सरफराज अहमद याद आ गया यार, वो बंदा था वो कैप्टन, उसकी गड्डी वो लड़कों पे शोर तो करता था, मतलब आपने देखा होगा वो शोर कर रहा है, लेकिन वो मैच में ना जान मार देता था, मतलब कोई बैट शॉट पड़ता था कीपर था जबकि भागता हुआ जाता था बॉलर के पास उसको गाइड करता था या फील्डिंग वगैरह अरेंज करवाते हुए नजर आता होगा अक्सर आपको। बाबर आजम में सीरियसली कुछ भी नहीं होता, जगह पे खड़ा रहता है, कुछ दो चार घंटे होते हैं ना उनमें जरा दोस्ती वाली साइड पे रखा करें और अपनी कैप्टनसी को पूरे तरीके से यूज किया करें, ना कि उसमें भी दोस्त, अब सुनने में मामूल हक जैसे दोस्त है या रिश्तेदार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इमोशनल स्पीच कर गए, सबसे बड़ी पर्ची क्या सीन है यार, आप अपने चेंज भी कर सकते हो, आप सलमान और ट्राई करो, शादाब अच्छा खेल रहा है, लेकिन लास्ट में हम एक इसका रिव्यू देंगे इस मैच का, इस मैच का तो रिव्यू आएगा, अफगानिस्तान के साथ हारे हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अफगानिस्तान चलो उनको कांग्रेट्स करते हैं, उन्होंने मतलब फाइनली पाकिस्तान में भेजा और वो इतना जश्न मना रहे, इतना जश्न मना रहे जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया भाई, वो यही सब अच्छा पाकिस्तान में जश्न हो रहा है, जुनैद अकरम को मैंने सुना था अगर उन्होंने ये मैच जीता ना पाकिस्तान से तो समझो उन्होंने वर्ल्ड कप ही जीत लिया, तो वो इसलिए भी खुश हैं और अच्छी बात है, उनकी इससे पहले भी मैचेस हुए हैं वो बड़े क्रूशियल टाइम पे जाके पाकिस्तान के हाथ में आ जाते थे मैचेस, तो जी मैच तो पता नहीं क्या होगा आज के मैच का, वैसे तो 0% चांस है मुझे तो पाकिस्तान मैच हारेगा और बाकी के भी मैच हारेगा क्योंकि वो टीम ही नहीं है हमारी, तो जो नजर आती है बाकी मीम्स वगैरह भी हम देख रहे थे, कुछ मीम्स जैसे बाबर आजम लोग वो कर रहे हैं गोल कर रहे हैं भाई, उसका एक ऐड चल रहा है वो टायर वाला जो है वो मतलब आंखों पे पट्टी बांध के वो बॉल को हिट कर रहा है,
वो लोग उस पर टोल गए भाई तू आंखें बंद करके अपने खतरनाक शॉट्स मार रहा है, तू आगे खोल के शॉट मार ले भाई। एक चीज ये बीच में चल रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस खो लेना और कैमरा फेस कर रहा बाबर आजम की इस बात पे भाई, वो पाकिस्तान में बैटिंग लास्ट पे जो ये तीन डाल की हमारी इंडिया ने तो बेस्ट शॉट करना बोला था बाबर आजम को, एक और अड़ा है कि बाबर आजम बोला था कि भाई हम ये ग्राउंड में वहां जाके ग्राउंड में करके दिखाएंगे, हम ये करके दिखा रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करो ना आप, सारे पर्ची प्लेयर्स लेके गए और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इमोशनल फेसेस बना के आप लोग ये वो ले जाते हो सेंटीज वगैरह ले लो कि भाई खैर हसीब ज्यादा इमोशनल ना हुए। अभी इस नेक्स्ट वीडियो हमारी एक और बननी है इस मैच के बाद जो अभी चल रहा है साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान का, उसके बाद हम फिर बनाएंगे वीडियो। यहाँ का रिव्यू हम यही खत्म करते हैं। तब एक और बात ये बताएं कि हमारा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, इसमें कुछ अभी और भी चीजें ऐड करनी है आप लोग के लिए खास, हमने बैकग्राउंड रेडी किया है, प्लांट यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट नहीं लगाया, तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। आगे इसी तरह हम वीडियोज बनाते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीजें ऐड करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें। पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका? पाकिस्तान। बच्चे ना उम्मीद नहीं होते, देखो जरा दोबारा बोलो कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगा, तो हम भी इस बच्चे की तरह हम भी एंड आखिरी मैच तक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, वर्ल्ड कप भी जीतेगा, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। हम तो दुआ कर रहे हैं और अब उनकी मेहनत पर है, सो लेट्स सी। सो गाइज अभी मैच की मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन बता देती हूँ कि क्या चल रहा है। मैं आप देख सकते हैं 194 रन्स पे 5 आउट है, 35 फिफ्थ ओवर चल रहा है और अगर शादाब और साउथ की पार्टनरशिप लग जाती है तो होपफुली हम ये मैच जीत सकते हैं क्योंकि अभी तक अच्छा जा रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो अभी शादाब और सऊद ही खेल रहे हैं, लग रहा है कि इनकी पार्टनरशिप लगे और ये अच्छा टारगेट सेट करके हमें दें क्योंकि काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, चौके वगैरह लग रहे हैं और देखते हैं कि क्या टारगेट देते हैं ये लोग। फिर अच्छी बॉलिंग भी करें तो फिर हम कुछ बढ़ सकते हैं आगे, वरना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा खैर अब हम वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो में मुझे वेट करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके अल्लाह हाफिज़।